पाकिस्तान का किस चीज बहुत ज्यादा है सबसे ज्यादा तो हमारे फ्यूल का है ठीक है अच्छा अब फ्यूल में भी जितना हो सके अगर हम फ्यूल बचा सकते हैं बड़े जबरदस्त फार्मूले में, में उन्होंने रोड पर एक ट्रैक अलग से दिया हुआ था बाकी सारा रोड फुल है वो ट्रैक खाली रहता था उस ट्रैक पर वही गाड़ी जा सकती है जिसमें चार आदमी होंगे अच्छा अब उसकी वजह से वो क्या करते थे सारे दोस्त मिलकर ऑफिस जाते थे क्या तो मेरी गाड़ी में आ जाओ मैं अकेला जाऊंगा अच्छा उससे फायदा क्या हुआ ट्रैफिक कंट्रोल हुआ फ्यूल बचा चार लोग बैठ गए गाड़ी में और चले गए और उनको उन्होंने बेनिफिट किया दिया कि आप जो रास्ता डेढ़ घंटे गए आप बीस मिनट में पहुंच जाओ तो लोग एक दूसरे से मिन्नतें कर रहे करते आप अपनी गाड़ी मत लें आप मेरी गाड़ी में बैठ जाते अगर प्लान किया जाए कि फ्यूल कंजप्शन पर गौर किया जाए बहुत बड़ा हमारे मुल्क का खर्च जो है वो फ्यूल पर है तो जहां खावा खाई फ्यूल खर्च हो रहा है उस पर गौर किया जाए लेकिन बहुत चीजें इसमें हमारे हाथ में नहीं है लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नाजरीन जो मैं आज बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जुलाई त मई ठीक है पिछली जुलाई से लेकर इस मई तक आठ नौ महीने बनते होंगे आठ अरब पैंतालीस करोड़ सात लाख डॉलर्स की खाने पीने की अशिया जो है वो दरामद की हैं अब आप सोचें कि खाना पीना क्या नहीं है पाकिस्तान में हमें चॉकलेट भी बार के खाने हैं हमें टॉफीज भी बार की खानी है हमें दुनिया भर से क्यों मंगवानी है खाने पीने की पानी भी है

साल के मुकाबले में रवा साल हालांकि कहते ही है कि ये साल बड़ा मुश्किल था इस साल महंगाई ने बड़ा बेड़ा गर्क किया लोगों के कारोबार में बड़ा प्रॉब्लम था बारह फीसद खाने पीने की अशिया जो ज्यादा आई हैं। अब आप देखें अब अब हम कब तक इस चीज को लेके चलते रहेंगे अच्छा फिर आगे चले जुलाई से मई यानी ग्यारह माह के दौरान पाकिस्तानियों ने अट्ठावन करोड़ नौ लाख डॉलर की चाय पी है चाय सिर्फ चाय जो है इंपोर्टेड जो है वो अट्ठावन करोड़ डॉलर की चाय पी दी अरे भाई पाकिस्तान में भी चाय उगती है जा, थोड़ा सा उसको कोई अल्टरनेट सोचने का शुरू ना कि हमारा पैसा बाहर ना जाए अगर हम चार प्याली पीते हैं दो पी पीले भाई आपके भी पैसे बचेंगे पाकिस्तान के भी पैसे बचेंगे कुछ तो अपने हिस्से का चराग चला अच्छा फिर वही वाली बात मेरे दो कप से क्या होगा ओ भाई बाई, बाई, बाईस करोड़ लोगों के दो कप गिरे ना आप है अच्छा अब चाय में चीनी भी बड़ी डालनी है हमारा तो हर मौके पर चीनी है ना हर खुशी के मौके पर मिठाई खानी अब चीनी का सुने शफात भाई पाकिस्तानियों ने जनाब हर खुशी के मौके पर मीठा खाने की शौकीन पाकिस्तानी अवाम ने 19 करोड़ 14 लाख पचपन हजार डॉलर की चीनी इस्तेमाल की है एक, एक ये 11 महीनों की बात हो रही है अच्छा हमारे यहाँ दालें भी बाहर से आ रही हैं छप्पन करोड़ चौहत्तर लाख डॉलर की दालें बाहर से आ रही हैं तीन अरब चालीस करोड़ डॉलर का से ज्यादा का आयल। पाम ऑयल पाम ऑयल जो है पाम ऑयल जो हमारा बाहर से आ रहा है तो प्लीज कम अस कम एक काम तो कर लो यार जिस मुश्किल से पाकिस्तान गुजर रहा है हमारे कभी कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है कभी कहते हैं जरा मबादला के सखाए खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है देने के लिए जब स्टोर पर सामान लेने जाए एक जहन बना लें यार मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदनी है भाई आपके पास सब चीजें हैं हमें शैम्पू से लेकर साबुन से लेकर टूथपेस्ट से लेकर ईच एंड एवरी क्यों बाहर की चाहिए आप आप खरीदेंगे तो क्वालिटी भी बनेगी अच्छा रोजगार किसको मिलेगा फैक्ट्रियां ज्यादा चलेंगी पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा ए, हमारे जेब से पैसा निकलेगा हमारे मुसलमान भाई हमारे पाकिस्तान भाई की जेब में जाएगा आपकी सर्किल के इतना शानदार हो जाएगा यानी बहुत अच्छी बात यह रमीश भाई ने कही कि हम तो उल्टा कर्जे में आ रहे हैं कि भाई सौ रुपए की चीज मंगवा रहे हैं पचास रुपए की बाहर भेज रहे हैं पचास रुपए हमारी जेब से जा रहे हैं तो ये कवर कैसे हो सकता है कि अपने हिस्से का आप चराग जलाए